करने वाले हैं ऐसी कटिंग की कि आप लोग फेंक दोगे फिर भी लग जाएंगे। पाँच दिन में आप कहोगे 10 दिन में, मैं कह रही हूँ पाँच दिन में ये कटिंग लग जाएंगी। आप लोग फटाफट लगाइए, हैंगिंग बास्केट के प्लांट हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं। और जो जिस प्लांट की कटिंग मैं बताने वाली हूँ, आप लोग बिना ही केयर में तैयार होते हैं और बहुत अच्छे से इनकी कटिंग चलती है और हैंगिंग बास्केट में तो बहुत सुंदर लगते हैं। हैंगिंग बास्केट के प्लांट है ही हैं, तो आप लोग वीडियो शुरू करते हैं, चलिए देखिएगा ज़रूर। तो फ्रेंड कमेंट बता सकते हैं अपनी राय कि मेरे प्लांट आप लोगों को कैसे लगे। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू हमके गार्डन। तो आप सब कैसे हैं, अच्छे हों, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड तो आज हमारे यहाँ बहुत ज़बरदस्त बारिश हुई थी फ्रेंड, तो अब बारिश होने के बाद रुक गई है, तो मैं आ गई हूँ अपने छत पे और वीडियो बनाने के लिए। तो आज मैं आई हूँ कि अप्रैल में कौन कौन से प्लांटों की कटिंग लग जाएगी, और ज़बरदस्त प्लांट की कटिंग है, आप फेंक भी दोगे फिर भी लग जाएगी। तो ऐसे प्लांट की कटिंग लेकर के आ गई हूँ, तो आप लोग वीडियो बने रहिएगा और देखिएगा ज़रूर। तो चलिए हम देर न करते हुए जल्दी से फटाफट अभी बताती हूँ मैं कौन कौन से प्लांट। वैसे तो बहुत सारे प्लांट हैं, सभी की कटिंग आसानी से लग जाती है, तो थोड़ी उनमें टाइम लगता है, लेकिन जो मैं कटिंग बताने वाली हूँ वो 5 ही दिन में लग जाएंगी और ग्रोथ उनकी शुरू हो जाएगी। तो चलिए दिखाती हूँ। तो देख सकते हैं एक नज़र मेरे गार्डन की ओर, कुछ हरा भरा दिख रहा है क्योंकि बारिश हुई है, है ना। तो आ गई हूँ मैं ज़बरदस्त कटिंग लेकर के आप लोगों के साथ। ये कटिंग है जो हैंगिंग बास्केट प्लांट में लगाई जाती हैं, लेकिन अफसोस मेरे पास हैंगिंग बास्केट की टोकरियाँ तो हैं लेकिन ऊपरी का टूट गया है, तो मेरी टोकरियाँ बेचारी नीचे ही हैं और मेरा हैंग करने का अफसोस, हैंग करने का कोई जुगाड़ नहीं है, तो बेचारी नीचे ही रहती हैं। लेकिन मैं आप लोगों को कटिंग बताती हूँ अफसोस ना करते हुए, क्योंकि कटिंग मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ये ऐसी कटिंग आप लोगों के साथ लेकर आई हूँ कि आप इनको देखते ही जान गए होंगे कि अरे ये तो वही दिखा रही है जो हमारे पास है। लेकिन क्या करें, दिखाना ही पड़ेगा, जिनके पास नहीं है उनको तो दिखाना ही पड़ेगा ना। जो गार्डनिंग कर रहे हैं उनके पास तो है, लेकिन जो नहीं कर रहे हैं उनके पास नहीं है तो दिखाना तो पड़ेगा ही। तो आप लोग देख सकते हैं इस प्लांट को अच्छे से देख लो, और इसकी पत्तियाँ देख लो कितनी प्यारी, कितनी क्यूट क्यूट सी लग रही हैं, जैसे दिल की तरह है ना। जब नहीं होते कोई प्लांट तो उनकी कटिंग लगा लगा कर, जब हमारे पास ये वाला प्लांट नहीं था तो हम इसकी कटिंग इतनी लगाई लेकिन लगी नहीं। और जब इसको पहले हम कटिंग लाए थे नर्सरी से तो लगी नहीं रही थी, और जब हमने इसको 40 रुपये में ले लिया नर्सरी से तो फिर इतना ज़्यादा हो गया कि यही हो गया, हर गमले में यही हो गया, तो हमने तो उखाड़ के फेंकना पड़ा। तो जब नहीं होती, जब उस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत होती, जब हो जाती है तो फिर उस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं होती, फिर थोड़ी सी फेंक दो तभी लग जाती है। तो फिर देखिए मैंने इसमें लगाया नहीं था, ये अपने आप से इसमें हो गई है, और इधर भी देखिए ये छोटी सी कटिंग इधर हो रही है, इसको भी मैंने लगाया नहीं है, ये पता नहीं कहीं से इसकी कटिंग पड़ गई और ये इधर होने लगी। तो जो इनके नाम है हार्ट टंगल टर्टन वाइन एक से एक से, तो इनके नाम है वर्डिंग जू, बहुत सारे तो इनके नाम हैं इन कटिंग के, तो मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ। हार्ट टैंगल टर्टल वाइल वर्डरिंग जू, वही सारी चीज़ें मैं आप लोगों के पास लेकर भी आ गई हूँ और दिखा भी रही हूँ। आप लोग देख सकते हैं ये कितनी प्यारी प्यारी इनकी पत्तियाँ हैं। ये अभी हमारे यहाँ ये वाली जो प्लांट दिखा रही हूँ ये हमारे यहाँ नर्सरी में नहीं मिलती, ये मुझे एक सहेली ने मेरी दी थी, बहुत बहुत अच्छी, उन्होंने लखनऊ से लाई थी, उनकी दीदी वहाँ रहती तो लखनऊ से लिया था। तो वो अभी तक हमारे नर्सरी में ये वाले प्लांट नहीं आए। फ्रेंड देखिए इस कितनी अच्छी ये प्लांट है, कितना खूबसूरत लग रहा है ये कटिंग, और ये भी उसी लगाया हुआ है, और इधर देखिए ये कितना खूबसूरत लग रहा है। इनकी छोटी छोटी कटिंग आप लगा दोगे इस प्लांट के लिए तो मैं इतनी तरसी हूँ कि पूछो ना। जब मेरे पास नहीं था इतना परेशान थी कहाँ से मिल जाए कैसे मिल जाए, लेकिन मिली तो इतनी छोटी कटिंग मुझे मिली थी, उतने में मैंने अब तो कई सारे प्लांट तैयार कर लिए हैं फ्लैंट, लेकिन इसको कट कट करके लगाना पड़ता है क्योंकि ये तुरंत ही ख़राब हो जाता है। इस नीचे से ऊपर ग्रोथ होती रहेगी, नीचे से गल मतलब ऐसे ही जल जाता है, तो इसको कट कट करके हमें लगाना ही पड़ता है। तो देखिए इसमें मैंने अभी लगाया हुआ है, और इस कटिंग को तो आप थोड़ी सी भी लेकर के फेंक दोगे तो भी 5 दिन में लग जाएगी। इसको मैंने देखिए झाड़ू लगा के छत में और ऐसे ही साफ जो टूटी टाटी थी तो मैंने इसमें डाल दिया था, तो देखिए किस ये डंडी इसको डाली थी और देखिए कितने अच्छे से इसकी ग्रोथ शुरू हो गई। तो मैंने सोचा चलो इसी में हो जाएगी, अब यहाँ से धागा बांध के इसको हैंग कर दूँगी। तो ये जो कटिंग है ये बहुत अच्छे से लग जाती हैं आसानी से और बहुत तुरंत ग्रोथ करने लगते हैं। अभी ये कोलियस प्लांट है, ये भी अभी बहुत अच्छे से कटिंग, अभी मैंने इनको कल ही लगाया हुआ था, ये प्लांटर बनाए थे फिर मैंने ये कटिंग लगाई हुई थी, तो ये कटिंग भी अभी बम्फर लग जाएंगी। तो आप लोग इनको, क्योंकि गर्मियों में ज़्यादा गर्मी पड़ेगी तो ये प्लांट नीचे से ख़राब हो जाता है, आप सब जानते हैं गार्डनिंग कर रहे हैं भाई बहन, जो ज़्यादा मोटा हो जाता है नीचे से ख़राब हो जाता है, उसकी हमें कटिंग ही लगानी पड़ती है, झिलानी पड़ती है, तब भी दोबारा तैयार हो जाता है। तो ये जो प्लांट है
ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि हम कटिंग तैयार करने पड़ते। ये भी ख़राब हो गए थे सर्दियों में, बिल्कुल नीचे से बिल्कुल सड़ ही गए थे, कुछ पता ही नहीं था, आता पता जो ऊपर की बची थी उन्हीं को हमने इनमें से लगा दिया तो हो गई हैं। और ये वाला प्लांट भी एकदम लकड़ी की तरह हो जाता है, फ्लावरिंग करता है, बीज भी तैयार होते हैं। आप लोग देख लें मेरे नीचे लगा है बहुत सारा, अब मैं जा नहीं सकती, तो उसमें इतने सारे फ्लावर आए हैं पूछो ना, और बहुत ज़्यादा बीज भी बनते हैं एकदम ब्लैक ब्लैक काले काले। तो ये सारे प्लांट हैं बिना ही केयर में तैयार होते हैं और अपने गार्डन में सुंदरता बढ़ाते हैं। यही सारे प्लांट होते हैं जो हमारे गार्डन की सुंदरता बढ़ाते हैं और अच्छे लगते हैं। अगर हैंगिंग में आप लगा दोगे तो चारों तरफ लटक जाएंगे और बहुत खूबसूरत लगते हैं। फिर ये वाले प्लांट आप, ये जेट प्लांट आप लोगों को दिख रहा है, ये जेट प्लांट की भी कटिंग आप लोग फेंक दोगे तो फिर भी लग जाएगी। तो ये जो प्लांट है इनकी कटिंग बहुत अच्छी लग जाती है। फिर वो रखा स्पाइडर प्लांट, स्पाइडर प्लांट की भी अभी जो बेबी निकल रहे हैं पप्स, वो भी बहुत अच्छे से भी इस टाइम लग जा रहे हैं। तो ये सारी कटिंग है, मैंने आज बड़ी कटिंग के बारे में नहीं बताया, सिर्फ छोटी कटिंग जो 5 दिन में, ओनली 5 दिन में लग जाएंगे और ग्रोथ शुरू हो जाएगी, उन्हीं कटिंग के बारे में मैंने बताया, ज़्यादा कोई कठिन कटिंग के बारे में नहीं बताया, है ना। तो आप लोग सच्ची सच्ची बताइएगा कमेंट में कि आप लोग मेरी वीडियो पूरी देखते हैं, मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है, नहीं अच्छी है, अच्छी लगती हैं नहीं लगती हैं, जो भी हैं राय अपनी आप कमेंट में लिख सकते हैं। और इस टाइम पटू लक्का की कटिंग आप बम्फर लग जाती है, आप तुरंत फेंक दोगे वो भी लग जाएगी। मैं आप लोगों को दिखा दूँ पटू लगा, ये है पटू लगा, इसमें फ्लावरिंग के लिए देखिए वर्ड्स लग चुकी हैं, और ये देख लीजिए, ये देखिए इसकी भी कटिंग बहुत अच्छे से लग जाती है और बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करती है। अब इसका टाइम ही आने वाला है, इतना फ्लावरिंग करता है, इतना सुंदर लगता है कि गार्डन में तो फ्लावर ही फ्लावर 4 चांद लग जाते हैं इसके फ्लावर से, बहुत खूबसूरत लगता है। तो फ्रेंड वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और कमेंट में अपनी राय बताना कैसी लगी वीडियो, तो बाय बाय।